आज हम जो है एग्जैक्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें से आज हम पढ़ेंगे इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स एंड फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्या फंक्शन होते हैं, इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को रोकते हैं, जो एंजाइम एक्टिविटी में मुदाखलत करें उनको इनहिबिटर्स कहते हैं। इनहिबिटर दैट इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम एक्टिविटी को रोकते हैं इनहिबिटर्स कहते हैं। इसके फिर दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बाद इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जिनको जो रिवर्सिबल होते हैं, जो यानी कि एंजाइम से हट जाते हैं, एंजाइम फिर दोबारा सही काम करने लग जाते हैं। और बाद इरिवर्सिबल होते हैं जो एंजाइम साथ लगे तो हटते नहीं, एंजाइम साथ अटैच रहते हैं और एंजाइम फिर सही तरीके से काम नहीं करते। तो ये दो टाइप्स हो गए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। उसके बाद फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स जो हैं इसके मुख्य फंक्शंस होते हैं, उसमें डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। द एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। जो एनर्जी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में इस्तेमाल होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम जो है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। इस तरह H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसमें क्या करते हैं H2+O2 बनेगा और 18,000 कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, 18,000 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी। जब एंजाइम एक्ट करेगा तो ये एनर्जी जो है 2,000 कैलोरी। जब एंजाइम एक्ट करेगा तो ये एनर्जी 2,000 पे आ जाएगी, तो ये एनर्जी कम हो जाएगी, कम एनर्जी इवॉल्व हुई है, एनर्जी सेव हुई है। तो एंजाइम का जो फंक्शन है वो एनर्जी को बचाना है, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन है। एंजाइम जो है ये डाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। डाइजेशन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ये एंजाइम्स की मदद से होती है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल जो है ये एंजाइम जो है इनको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद है फॉर अमाइलेज ट्राइप्सिन लाइपेज, ये एंजाइम्स हैं अमाइलेज ट्राइप्सिन लाइपेज जो डाइजेशन में मदद करते हैं। उसके बाद चीज़ मेकिंग में भी एंजाइम जो है वो काफ़ी अहम किरदार अदा करता है, और चीज़ को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ एंजाइम की हेल्प से तैयार की जाती है। स्वीटनर, एंजाइम जो है एज ए स्वीटनर इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंजाइम जो है वो स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल सक्रोज जो है, सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देना, सक्रोज से जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बनाना ये एंजाइम की मदद से होता है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये मोर स्वीटनर देन सक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये सक्रोज की नस्बत ज़्यादा स्वीट है, तो ये एंजाइम को कन्वर्ट करते हैं सब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और जो है वो ज़्यादा स्वीटनर होती है। डिटर्जेंट, एज ए डिटर्जेंट भी इस्तेमाल होते हैं एंजाइम्स। ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स आर हीट स्टेबलाइजर एंड आर यूज एज डिटर्जेंट फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स जो है ये मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया और अमाइलेज हो गया, ये डाइजेशन में मदद देते हैं। और वेजिटेबल्स वगैरह से भी ये हासिल किए जा सकते हैं, अगर बॉडी के अंदर सेंसिटाइज ना हो रहे हो तो ये वेजिटेबल्स वगैरह से हासिल किए जाते हैं, ठीक है। ट्राइप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया। उसके बाद फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, एंजाइम जो हैं ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। किसी को कैंसर हो गया उसके ट्रीटमेंट में एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल एस्पारजिनेज जो है ये कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। क्यूरिंग ऑफ डिजीज, एंजाइम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डिजीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जान
जॉन्डस हो गया, टिकिट्स हो गया, जॉन्डस कहते हैं पीला जल कान जो होता है ना उसको जॉन्डस कहते हैं। किसी को पीला जल कान हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट में एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, या टिकिट्स हो गई हड्डियों वगैरह से कमज़ोर हो गई तो जोड़ों में दर्द हो गया, तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए भी जो है वो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम जो है ये ब्लड क्लॉटिंग पास करता है, खून जो है वो इंसान के लोगों के अंदर जम जाता है तो वो एंजाइम की वजह से होता है। उसके बाद अल्कोहल बेवरेजेस, अमाइलेज इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस, अमाइलेज अल्कोहल बेवरेजेस को तैयार करने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद मीट टेंडराइजिंग, मीट को डाइजेस्ट करने में जो है वो एंजाइम इस्तेमाल होता है, मीट टेंडराइजिंग यानी मीट को डाइजेस्ट करना। सब एंजाइम लाइक ट्राइप्सिन, पेप्सिन एंड पेप्टाइड इट इज इन मीट टेंडराइजिंग टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कुछ एंजाइम जो है वो मीट टेंडराइजिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और डाइजेशन में मदद देते हैं। तो ये एंजाइम्स मुख्तलिफ फंक्शन से जो हमने पढ़े हैं।